आठ आठ है, ये चतुर्भुज है, चूंकि चतुर्भुज है तो आठ इसमें घर है, तो आठ को हमने दो से गुणा कर दिया तो हमने बोल दिया इसके अंदर में 16 त्रिभुज है। अब हम आते हैं, चलो इसको लेते हैं, तो इसके इसमें कितने हैं, एक दो और तीन। मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो ये तीन है, तो क्या हुआ, तीन दो पांच एक छह, छह है, और चूंकि बीच में यहां कोई लाइन है ही नहीं है, कोई इसका डिवाइडेशन नहीं है, तो हमने छह को एक से गुणा कर दिया तो छह हो गया, ठीक। हम आते हैं, फिर हम इधर आते हैं, यहां पे लिखते हैं एक दो और तीन, लेकिन इसमें एक डिवाइडेशन है, तो तीन दो पांच और एक छह, देखिए ये छह लिखा मैंने, और ये चूंकि बीच में एक डिवाइडेशन है, और इसमें टायर कितने हुए, तो फिर ये ए टायर पकड़ा इसको मैंने, और इसको बी टायर पकड़ा, तो इसके लिए से हमने दो से गुणा किया तो कितना हुआ, छह दूनी 12। अब इसमें आते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, अब देखते हैं इसमें तो केवल एक ही घर है, और ये बीच में एक पार्टीशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर हम लिखते हैं इसमें एक घर है तो इसको हमने एक लिखा, और जबकि दो टायर है ये पार्टीशन का, ये इससे दो टायर बन गया, जैसे मैंने ए लिखा इसे, और यहां पे इसे हमने बी लिखा, तो ये दो घर इसको किया। अब जब जोड़ा इन सबको तो ये 66 ट्रायंगल है, तो इसके अंदर में 66 ट्रायंगल है, तो देखिए इसमें एक क्या हुआ है, यहां पे सारे फिगर्स जो है ये ट्रायंगल एकदम अलग है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, ये बड़ा इजी होता है इसको करना, लेकिन अब जब गडमड हो जाता है जो हम आगे देखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होता है, तो उसे भी हम समझेंगे, और एक बात बोलने को आपको कोशिश करेंगे कि बहुत लोग इसमें आपको फॉर्मूला दिखाते, देखिए हम भी यहां फॉर्मूला का यूज करते हैं, मतलब ट्रिक्स की यूज करते हैं, लेकिन जब कोई चीज आपस में मिक्स हो जाता है, उसे हम बोलेंगे कुछ बॉर्डर लाइन आ जाते हैं, दो फिगर्स एक साथ मिल जाते हैं, तो ऐसा करना संभव नहीं होता है, तो वहां पे प्लीज पहले आपको शेप को पहचान लेना होगा, और ये कैसे होगा तभी आपका होता है। चलिए हम उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब इस फिगर को देखें, बेसिकली इस फिगर में आप देखेंगे कि तीन आपके आयत हैं, एक देखिए ये आयत है, दिस इज द वन जिसको हमने ए लिखा हुआ है, और हमने, और देखो दूसरा आयत है, आप देखें दिस वन इज ये, जिसको हमने बी से डिनोट किया है, और ये तीसरा आयत, एक्चुअली ये सटाई हुआ है, थोड़ा सा फिगर अलग हो गया है, ये तीसरा आयत है, ठीक है। अब इसमें बोलता क्या है कि देखिए इसके अंदर में कितने ट्रायंगल्स हैं, अब देखो यहां पे जब दो आयत आपसे मिले हुए, ए आयत और बी आयत मिले हुए हैं, यहां भी कुछ फिगर्स बनते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वैसे ही देखिए फिर एक जॉइंट लाइन क्या है, बी और सी जॉइंट हुआ है, ये जॉइनिंग लाइन को हमने एक तीर के सहारे दिखाया है। हम क्या जानते हैं कि देखिए पहले इस आयत को लेते हैं, इसके अंदर में कितने घर हैं, आठ घर हैं, तो हम जानते हैं कि इस घर में आपका 16 आपके एंगल बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे, उसी तरह देखो यहां पे भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ घर हैं, तो इसके अंदर भी 16 बनेंगे, आठ घर है, आठ दूनी 16, इसके अंदर में भी देखिए आठ ही हैं आपके घर हैं, तो हम जानते हैं कि हर आयत का अगर इस तरह कटा हुआ होता है, जितने घर होते हैं उसका दुगुना ट्रायंगल होता है, जो पहले हम बेसिक्स में देख चुके हैं, तो मतलब ये तीनों मिलके देखिए 48, आठ दूनी 16, 16 तीन 48, यहां तक तो अपने को हिसाब मिल गया। अब इसके अंदर में कुछ छुपे हुए ट्रायंगल्स हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, उसे हम अपने को अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, ये जो है 48 है, और हम ऐसे भी हम इसको बिना गिने कुछ भी किए हम बोल सकते हैं, यहां एक से आठ घर है, इसमें भी एक से आठ घर है, इसमें भी एक से आठ घर है, तो ये 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 होंगे। अब देखिए जहां भी ज्वाइन होता है, ठीक है ना, जैसे ए और बी इस लाइन पे ज्वाइन हुआ है, ठीक है ना, तो
तो देखिए इसके घर इसको अगर बॉर्डर लाइन बनते हैं तो यहां पे जितने भी ट्रायंगल बने हुए हैं इसका हिसाब तो हमने अंदर में ले लिया, इसका भी हिसाब ले लिया, लेकिन एक ट्रायंगल अभी और बन रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है। वो देखिए ए प्लस बी एक ऐसे बन रहा है। देखिए इस शेप को देखिए तो आप समझ जाएंगे, ए प्लस बी को उठा के इस काले रंग के रखेंगे तो ये क्या बनेगा। देखें हम देखते हैं जरा सा, ये एक ट्रायंगल है जो ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ए और बी के इधर वाले लाइन जो है इस लाइन के मिलने से बना है, ये ए प्लस बी हमने देखा। अब देखिए ए प्लस बी का एक और बन रहा है, कहां बन रहा है देखिए, यहां पे जो ये दो लाइन ज्वाइन हुए हैं जिसके चलते एक और ट्रायंगल बन रहा है। ये ऐसे गया, फिर यहां से ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल तो बन गए, ठीक है। अब देखो बी और सी मिल रहे हैं इस लाइन पे, तो नेचुरली इस लाइन पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इस लाइन पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए बी प्लस सी और बी प्लस सी कैसे बन रहा है, आपको अब समझ में आने लगा है। देखो यहां पे बी और सी को मैं सीधा अगर लेता हूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये बना। फिर ये देखो बन रहा है कहां से, यहां से चलते हुए ये चलते हुए यहां पे एक ट्रायंगल और बन रहा है, ये तो हमें बड़े बड़े ट्रायंगल का हिसाब मिल गया। तो देखो यहां बना दो, यहां बना दो, चार ट्रायंगल बने ये जुड़ने के कारण। फिर चूंकि इस शेप में जुड़ा हुआ है, देखो एक लाइन ऐसे सीधी आ रही है, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों जो हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं उसको मिला के एक बन रहा है। वो कैसे है देखिए, जिसे ए बी इधर गया, फिर बी से सी पूरा नीचे तक आया, फिर यहां से आके ये मिला, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बना जो हमें ए प्लस बी प्लस सी से हमने दर्शाया है इसे। अब देखिए तो कितना बना, एक दो तीन चार पांच। अब देखिए और भी बन रहे हैं, अब यहां पे हमने ए बी यहां पे ज्वाइन किया है तो भैया यहां भी तो ए बी ज्वाइन किया है, तो एक छोटे ट्रायंगल के साइज पे नहीं जाएंगे आप। देखिए यहां भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जिसको मैंने 4+1 लिखा, ठीक है। फिर देखिए यहां पे चूंकि यहां पे इस लाइन पे ज्वाइन हुआ है, एक ट्रायंगल यहां भी बन रहा है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं देखिए, जो जब दो ये जुड़ रहे हैं उन बॉर्डर लाइन को लेके ही बनते हैं। ये देखिए यह क्या बना, 5+8, ये देखिए ट्रायंगल बन गया। अब देखिए 2+7, अब 2+7 क्यों है, अब देखो यहां के ऐसे जो जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, इसी तरह यहां भी आप देखिए यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज 2+7, ठीक है। और आपका एक ट्रायंगल देखिए फिर चूंकि यहां है तो इसके इधर भी बन रहा है, ठीक है। तो कितने बने देखिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये 9 ट्रायंगल बनते हैं। देखो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी बुक्स के जो हैं वो क्या बोलते हैं ना, ट्रिक्स में मत जाइए, क्योंकि जैसे ही फिगर्स चेंज होते हुए जाते हैं, जगह से हटते हुए जाते हैं, सारा कुछ चेंज हो जाता है जो आपका ट्रिक्स नहीं पकड़ पाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इस बात को हम देखते हैं कि ये कैसे ये प्रॉब्लम कर देता है।